तुम लोगों को तो मैं जिंदा इंसानों में ढूंढ रहा था। इस कब्रस्तान में क्या कर रहे हो? बैंक का माल कहां छुपाया है? तुम्हारी कब्र में छुपाया है। से पूछ रहा हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मदद मांगने के लिए उस तरफ गई तो देखा ये लोग कब्रिस्तान में कुछ छिपा रहे थे। वो लोग शहर के मानों में बदमाश है, बैंक लूट कर माल छिपा रहे थे। खैर, ये लोग तो मिल गए, माल भी मिल जाएगा। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं। आइए। थैंक यू। वेलकम। सुनिए, क्या मैं अपने अजनबी दोस्त के बारे में जान सकती हूँ? बदमाशों की मरम्मत करना, शरीफों की हिफाजत, आप ही के शहर में रहता हूँ, इंस्पेक्टर विजय। और आपकी तारीफ? मुझे रेनू कहते हैं। बहुत सुंदर नाम है आपका। हाँ, आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। सिर्फ एक बार? जी। और घर में कौन कौन है? दिलो जान से प्यार करने वाले एक डैडी थे, वो भी चल बसे। अकेले डर नहीं लगता? लगता था, लेकिन अब नहीं। Thank you.
आप देख नहीं रही मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे। चलो पहले शेप बनाओ। अरे शेप तो बाद में भी हो सकती है। तो मैं कौन सा कोई भागी जा रही हूँ? मेरा दिल अब कर रहा है। मेरा भी कर रहा है। वहाँ निकल। अरे अरे विजय, अरे क्या हुआ? एक बाल्टी पानी की देना जरा, देखो पानी चला गया। अच्छा एक मिनट। ये लेके आया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बाल्टी नहीं आ रही है। अरे ये क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, जाओ ना। देखो कोई आया। क्या बात है? टेलीग्राम। जिस बात का डर था वही हुआ है। क्या हुआ? पियाजी की तरफ से ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, मंगलपुर जाना है। कब? आज शाम की गाड़ी से। आज? आज क्यों? अभी क्यों नहीं चले जाते? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। तुम्हें तो मालूम है ना मैंने कोशिश की, अब ना मंजूर होगी तो मैं क्या करूँ? चार दिन के बाद ऑर्डर मिल जाएगा फिर तुम आ जाना। चार दिन? ये चार रातें तुम्हारे बिना कैसे गुजरेंगी? यहाँ का अकेलापन। ये अकेलापन तो कुछ दिनों की बात है मेम साहब, फिर हमारा एक चांसा बेटा होगा, फिर तुम मैं और वो छोटा तीनों मिलकर मंगलपुर में बहुत सुंदर सा घर बनाएंगे। और अगर चार दिन में क्वार्टर ना मिला तो मैं खुद ही चौर से मिलकर शुरू हो जाऊंगा। अरे एक पलंग के लिए चार दीवारें और एक छत की जरूरत होती है ना, और फिर जब तुम मंगलपुर आओगे तो मैं उस पलंग को तुम्हारे मनपसंद फूलों से ऐसे सजाऊंगा कि तुम्हें फिर से स्वागत याद आ जाएगी। विजय गई तुम? मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। तुम इंस्पेक्टर विजय की बीवी हो ना? हाँ, लेकिन वो पिछले दो दिन से तुम्हारे लिए रोज स्टेशन आता रहा है और तुम आ जा रही हो। हाँ मुझे परसों आना था लेकिन आज के लिए तो मैंने उन्हें टेलीग्राम दे दिया था। अबे इंस्पेक्टर, मंगलपुर के मंगू को आज तक के जिसने भी हथकड़ी पहनाने की कोशिश की ना, उस साले की यहां से हमेशा के लिए बदली हो गई। और फिर इस वर्दी और हथियार के बल पे तो कोई बच्चा भी हथकड़ी पहना देगा। अबे अगर मर्द हो तो उतार दो हथकड़ी, और अगर तुम हो ना तो फिर पहना देना अपने हाथों से। खोल दो इसकी हथकड़ी।
मंगलपुर के मंगू दादा ये टेलीग्राम कब आया? दो घंटे में साहब। वो काट चुनाकर काफी देर हो गई, इसका मतलब रेणु मेरा इंतजार कर रही होगी। यहाँ कब तक इंतजार करोगी? अंदर ऑफिस में आकर बैठ जाओ। नहीं, मैं अब चलती हूँ। नहीं नहीं, इस इलाके में शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। कुछ ही देर में रात के भयानक साए बढ़ने लगेंगे और मैं अंधेरे से नहीं डरती। आप सिर्फ मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें यकीन है तुम वहां तक पहुंच पाओगी? खैर, तुम जाना ही चाहती हो तो यहां से सीधी चली जाओ। आगे जाकर तीन रास्ते मिलेंगे, बीच की पगडंडी से चली जाना, जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगी। शुक्रिया। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का हल्की खबर नहीं। वक्त उसको अकेले जाने कैसे दिया? वक्त बादशाह है इंस्पेक्टर, उसी के हुक्म से लोग मिलते हैं, उसी के हुक्म से बिछड़ जाते हैं। लेकिन वो गई कहां? जिसे जाना है उसे कौन रोक सकता है? कहकर तो गई थी पुलिस स्टेशन जा रही। पुलिस स्टेशन?
मुझे तुम्हारी प्यार भरी बाहों में आकर ऐसा लगता है जैसे मुझे सारी दुनिया मिल गई। बस अब तो एक ही तमन्ना है, मरूं तो इन्हीं बाहों में। विजय सब्र से काम लो। विजय 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 न जाने बेचारी ने किस मनुष्य घड़ी में मंगलपुर में कदम रखा था। चलो दुनिया को उजाड़ा है, एक दिन मैं उसकी समाधि इसी बनाऊंगा। और मेरी पूरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। आई एम सॉरी टू से तुम्हारी बीवी की मौत न तो खून का केस है और न ही खुदकशी, बल्कि औरों की तरह तुम्हारी बीवी भी खौफ, दहशत और खून की कमी की वजह से मरी है। What? हाँ विजय, तुम तो उस फाइल को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि हर लाश पर एक ही जैसा जख्म का निशान। ये काम कभी किसी जानवर का नहीं हो सकता, ये काम इंसान का है, और अगर वो इंसान है तो वो इंसान। विजय, जंगलों के पार पहाड़ियों के पीछे जो कबीले बसे हुए हैं, कहीं ये काम उनका तो नहीं हो सकता। कबीला सुनो, इस पूरे जंगल में इस पहाड़ी में बसे वाले जितने भी कबीले हैं उनमें एक भी मर्द औरत ऐसी है जो पढ़ना जाने, जो लिखना जाने नहीं। लेकिन हमारा राजा बेटा आज शहर से चार नहीं, छह नहीं, पूरे 10 किताब बांट के आवा है, सीख के आवा है। आज हम सब लोगों के सामने फैसला सुनाते हैं कि हमारे बाद इस कबीले का सरदार। लेकिन लेकिन हम जानत है राजा कि तोहरा साहू की बेटी रानी से हमेशा से मिलन रहा है। तू रानी से ना मिले, यही कारण हम तो का शहर पड़े खातिर भेज दिया। अब तू रानी से ना मिलना, कारण साहू हमारा दुश्मन है, और अगर तूने हमारे दुश्मन की बेटी से मिलने की कोशिश की तो तू हमको मानते बापू।
तो तू अब राजा की खातिर हमसे जबान लड़ावत है? इतनी हिम्मत, खबरदार जो तूने कुठरिया से कदम बाहर रखा। चलो अबुला। प्यारा एक मुझको दीदार तेरा, दुनिया में सबसे प्यारा लगता है रब से प्यारा एक मुझको दीदार तेरा। मैं भी तो कितनी आऊं, रुकूं तो रुक ना पाऊं, खींचे मुझे प्यार तेरा, लोगों को प्यार ना
चलने वाले दुनिया के दस्तूर तोड़ के हो बुरी दिल का इशारा दिल पा गया तूने पुकारा ले मैं आ गया ओ गोरी किस्मत से भी टकराइबे तुझको संग लेके जाइबे तूफानों के भी रुख मोड़ के ओ गोरी आओ आओ सदा देख ही कबर का अगर तोरा राजा बेटा हमरे बिटिया के संग मिल गया तो ओका हम जिंदा एक कबर में काट दे आ जाइयो एक कबर में हाथ से अपने मिट्टी डाले और तू भी सुन ले अगर तोरी रानी इस पार हमका मिल गई तो उसका हाथ पांव काट के फेंक देंगे उसको खाने के लिए चील कुत्ते तू अपनी तरह से भेज देना समझ गई ना चिल्ला मत भेजूंगा चल रानी हम यहां से भाग चले वरना ये लोग हमको जान से मार डालेंगे चल नहीं दुर्गा जी हम आदिवासी भी इंसान हैं कोई जंगली जानवर नहीं हम अपने दुश्मन का खून बहाते जरूर अच्छा सरदार इस जंगल में तुमसे अलग रस्म रिवाज वाला और कोई कबीला है नहीं दुर्गा साहब कोई नहीं यहाँ सिर्फ दो कबीले हैं एक रामगढ़वासी और एक भीमागढ़वासी फिर कौन सा वो खूनी साया है जो मंगलपुर को वीरान बना रहा है राजा वो देख यहाँ तो कोई भी नहीं है अच्छा तू ऐसा कर तू अंदर बैठ मैं देख कर आता हूँ शायद यहीं कहीं गया होगा हाँ तो कोई भी नहीं है राजा हम
का तो बहुत डर लगा थे रे। जी वो घोड़ा गाड़ी हम यहाँ ले आई है। कहाँ के रहने वाले हो? जी जंगल पास पहाड़ी के पीछे। घर से भाग आए हो क्या? नहीं नहीं हम शादी करना चाहते हैं। तो तुम इतने डरे हुए क्यों हो? नहीं नहीं डरे हुए नहीं हम बहुत थके हुए हैं और भूखे भी। जी हाँ रानी को बहुत भूख लगी है। भूख और प्यास किसे नहीं लगती? हाँ जी एक गिलास पानी मिलेगा। लो प्यास बुझा लो। ये बीवी है हमारी। नमस्ते। पानी पी लो। आज से तुम दोनों हमारे मेहमान हो। आओ हमारे साथ आओ। ये आशा है हमारे छोटे भाई ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह की धर्म पत्नी। नमस्ते। और आशा तुम्हारे पास वाले कमरे में इस बच्ची को ठहरा दो। जी जब तक शादी नहीं हो जाती बच्चों एक साथ नहीं रहते। आओ मेरे साथ। मेरा हाथ तुम्हारा कमरा और वो नहाने का। जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। देख रहे हो? नया मेहमान सलीम बहुत कमजोर हो गया है। ये देखिए कितना भरा भरा हुआ जिसमें ठाकुर साहब। देखिए देखिए ना। अपने बीवी से कह दो जल्दी खाना लगाए। ये मीना है। नमस्ते। हमारे स्टेट मैनेजर सिद्धू की बीवी। सिद्धू मेरा नाम है। नमस्ते। आप लोग शुरू कीजिए ना। आप भी आइए ना। बच्चों दरअसल हम लोग उसूल के पाबंद हैं। रोजाना शाम ढलने से पहले ही खा लेते हैं। बैठो शुरू करो शुरू करो। Thank you.
ये है ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, बड़े ठाकुर के छोटे भाई। नमस्ते। और ये है हमारे नए मेहमान। भाई साहब, अगर मुझे पहले पता होता कि हमारे घर में ऐसे दो मेहमान आए हैं तो मैं शिकार खेलने जाता ही क्यों। चाहिए जी? नहीं शुक्रिया। इनके लिए जामे हयात का इंतजाम करो। हमारे सामने आकर रुक गई। हमारी हर चीज मेहमानों के सामने आकर रुक जाती है। जी हाँ, आपकी घोड़ा गाड़ी भी आकर हमारे सामने ऐसी रुक गई थी। जामे हयात पेश करो। जाओ अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। अच्छा जी। Thank you.
कानून जिसे जुर्म और समाज जिसे गुनाह समझता है, वो चीज तुम्हारी वजह से हमारी रूह की गीजा बंद कर रही है। तुम हमारी मासीन हो, तुम ही ने हमें यह लज्जत बख्शी है। हम वादा करते हैं हर रात ये नायाब तोहफा पहले तुम्हारे होठों को छुएगा। रानी, अरे ओ रानी, रानी, अरे ओ रानी, अरे ओ रानी, ना जाने कहां चली गई है। अरे ओ रानी,
नो वफा का ऐसा तू संगम, हुस्नो वफा का ऐसा तू संगम, तुझको जो देखूं मिटता है हर गम, तोड़ देना कोई तेरी मेरी डोर रे ओ। अरे रानी, इतना बड़ा महल जैसा घर और यहाँ कोई नौकर चाकर भी नहीं है, और तुमने देखा यहाँ के सभी लोग अपना काम खुद ही करते हैं। कुछ भी है, यहाँ के लोग हमको बहुत प्यार से देखत हैं। वो तो सिर्फ प्यार से देखत हैं, हम तो कब भागो 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 भाग जाओ, जिंदगी बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, नहीं तो प्रोफेसर साहब तुम्हें। पागल है। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? जी जी नहीं। अरे तुम दोनों अपने सेहत का ख्याल रखा करो, और किसी चीज की जरूरत हो सिद्धू को कहना। अच्छा जी। सिद्धू, सलीम पर ध्यान रखना। अब तो सलीम पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब, ये सलीम कौन है? मेरा बेटा है साहब, मेरा बेटा है वो। आज तो महीने हो गए, पूरे दो महीने, खुदा जाने कहाँ गुम हो गया। मैं पागलों की तरह उसे तलाश कर रही हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। साहब, मैंने दुनिया भर की मन्नतें मांगी, कितने ही रोजे रखे, लेकिन वो नहीं आया। पता नहीं वो क्यों नहीं आया। मैं कितना प्यार करती हूँ उसे, वो भी मुझे बहुत चाहता था। उनके मरने के बाद वही तो मेरा सहारा था। देखिए, हिम्मत से काम लीजिए, आपका बेटा मिल जाएगा। नहीं नहीं, आप सब झूठ बोलते हैं, आप सब झूठे हैं। मैं कहती हूँ कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा सलीम, मेरा लाल, हमको भूखा होगा। आप भगवान पे भरोसा रखिए, आपका बेटा सलीम मिल जाएगा। अरे तुम्हारे मन की शक्ल, क्या तुम मेरे सलीम को जानते हो? आपने सुना साहब, आपने सुना, ये कहता है मेरा सलीम मिल जाएगा, इसकी दुआ जरूर कबूल होगी। परवरदिगार आलम, अपने हबीब के सत्ता में तेरी बीवी की गोद भरे बेटे, तुझे चैन से बेटा हो, तेरे हद में रात पूरी हो। चैन से बेटा होगा, फिर तुम, मैं और वो छोटा, हम तीनों मिलकर मंगलपुर में एक बहुत सुंदर सा घर बनाएंगे। विजय, विजय सर, विजय, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन समझ में नहीं आता मंगलपुर कस्बे का ये सातवां केस है, और न जाने कितने ऐसे जुर्म हुए होंगे जिनका किसी को पता भी नहीं चला होगा। ऐसे कितने केस हुए होंगे जो हमारी इल्म में भी नहीं आए होंगे। बड़े शर्म की बात है, इतने छोटे से इलाके में खूनी रहता है, लेकिन कोई नहीं बता सकता है कि वो कौन है। मेरे ये प्रोफेसर साहब हैं, हफ्ते में एक दिन पढ़ाते हैं, तनख्वाह भी नहीं लेते, लेकिन अक्सर देखता रहता हूँ मैं, इनके पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, शायद इनके काले कोट को देख के भौंकते होंगे। अमा यार, इसके छोटे भाई के पीछे भी कुत्ते भौंकते हैं। शुक्रिया। निशाना तो बहुत अच्छा लगा ले तो ठाकुर। शिकारी इंस्पेक्टर, कोई अनाड़ी नहीं कि निशाना चूक जाए। क्या आप रोज शिकार करते हैं? मैं पूछूं, आप रोज खाना खाते हैं तो? अच्छा, तो शिकार ही आपकी भूख है, और अगर बदकिस्मती से शिकार ना मिले तो? मैं किस्मत पर नहीं इंस्पेक्टर,
अपने बंदूक पे भरोसा करता हूँ। वैसे आप जंगल में कौन सा शिकार ढूंढने आए हैं? कानून का आदमी हो ठाकुर, हर मुजरिम मेरा शिकार है और मैं उसी की तलाश कर रहा हूँ। कातिल बहुत चालाक है सर, क्योंकि कई दिनों से उसने मंगलपुर के गांव वालों पर हाथ नहीं डाला, सिर्फ अजनबी मुसाफिर ही कातिल के शिकार हो रहे हैं। दरअसल विजय अपनी बीवी के कत्ल की वजह से बहुत जज्बाती हो गया है, गांव के हर आदमी पे शक करने लग गया है। अच्छा, वो लोग हम पर शक कर रहे हैं क्या? कौन अब पे शक कर रहा है बड़े ठाकुर? हमसे कहिए, हम उसे तौहीने शराफत के जुर्म में अदालत में बंद कर देंगे। इंस्पेक्टर, हमारा ख्याल है कि हम पहली बार मिल रहे हैं और ये बेतकल्लुफी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी नौकरी ऐसी है साहब, उन्हें कातिल तो पसंद करते ही नहीं, और शरीफ और भले आदमी हमसे दूर खड़े रहते हैं। वर्दी पहनकर अगर किसी की दुकान में घुस जाएं तो लोग समझते हैं दुकानदार को गिरफ्तार करने आया है। वैसे सुना है कि आपके यहाँ जानवर की ताजा खाली मिलती है। इंस्पेक्टर, क्या पुलिस अब जानवरों का भी पोस्टमार्टम करने लगी? नहीं डॉक्टर साहब, जिस इलाके में इंसानों का पोस्टमार्टम हो नहीं सकता वहां आप जानवर की बातें कर रहे हैं। वैसे ये सारी चीजें आप दुकान में ही रखते हैं या घर में भी कोई गोदाम है? आपको जो चाहिए वो सब इस दुकान में मिलेगा। आप ठीक कहते हैं बड़े ठाकुर। क्या ये सच है ठाकुर साहब, शेर के मुंह अगर इंसान का खून लग जाए फिर वो जानवर नहीं खाता? हाँ, किसी हद तक। और अगर इंसान के मुंह इंसान का खून लग जाए तो? भाईजान, मेरा बेटा, मेरा सलीम कहीं नजर आया तुमको? वो भी जवाब नहीं देता। खुदा के लिए मेरे सलीम को ढूंढ के ला दो, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। सलीम, सलीम, बेचारे का एक ही बेटा था, अजाने कहां गुम हो गया। इंस्पेक्टर, बजाय लोगों पर शक करने से अच्छा है कि गरीब माँ के बच्चे का पता लगा, बेचारी दुआ देगी तुमको। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ठाकुर साहब। कोशिश? उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं भाई साहब। क्योंकि चींटी को हाथी के सूंड तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तुम ठीक कहते हो सूर्या, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय हमारी शतरंज का एक जख्मी प्यादा है। कितना दौड़ेगा और कब तक? ठाकुर साहब, बच्चे आ गए। आओ आओ बच्चों, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देखो बाजार से हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्यों, कैसा है? अच्छा है। सीमा, इसे पहना दो। और सिद्धू जी, खाने का टेबल लगाओ। जी साहब। लाओ, दूसरा बना देती हूँ। जी कोई बात नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अच्छा जी, तो हम चलते हैं। चलो रानी। Thank you.
चलानी। ए राजा, का बात है रे? चलानी, हम ऐसे भाग चले। का है रे? का बात है रानी, कल रात हम का देखे? का देखा रे? हम देखे वो तीनों ठाकुर धोखा उठा कर ले जा रहे थे। कहाँ ले गए थे तुझे? ए राजा, तूने जरूर कोई सपना देखा होगा रे। ये सपना नहीं, सच्चाई है। जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। ये देखो, ये देखो, एक ऐसा निशान इसके हाथ में भी होगा। एक दिन तुम लोग भी मुझे से बना दिए जाओगे। भाग जाओ यहाँ से, यहाँ से भाग जाओ। बच्चे जख्मी परिंदे पिंजरा तोड़कर निकल भागे हैं, इससे पहले कि उनकी उड़ान हमारी इज्जत और शोहरत के महल को चूर चूर कर दे। उनको फौरन ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हेलो, गुड इवनिंग। अपन ओपन हार्ट से कह सकता है कि आप फेमस मंगलपुर स्टेशन के, फेमस रेलवे स्टेशन के फेमस स्टेशन मास्टर हैं, मिस्टर फेमस, और अपन है फेमस जर्नलिस्ट मिस्टर माइकल। आई एम राइट? अपने राइट देखो। काइकू? अपने लेफ्ट देखो। काइकू? कुछ नजर आया? कुछ भी नहीं, ओनली विल। जहाँ कुछ नजर ना आए उसे वीराना कहते हैं। वीराना? राइट लेफ्ट। मास्टर जी, मास्टर जी, आप पहले ड्रिल मास्टर थे क्या? नो रिस्पॉन्स। मास्टर जी, अंकल, क्या है? ये रेलवे स्टेशन पे स्ट्राइक है क्या? क्यों?
नो कुली, नो दुकान, नो चाय, नो कॉफी, नो खिड़की विंडो, टिकट विंडो। खिड़की थी है? बंद कर दी गई। काय कू? पिछले दो साल में इस स्टेशन पर दो ही आदमी उतरे हैं। दो साल में ओनली टू पैसेंजर्स? आज तीसरा साल शुरू हुआ है। वेरी गुड, देन मैं तीसरा आदमी। वो दोनों यहाँ से वापस नहीं गए। काय कू? इस स्टेशन पर जो उतरता है वापस नहीं जाता। तुम भी जाओगे? यस, व्हाई नॉट। तो ऐसे करो, अंधेरा होने से पहले पहले इस सीधी पगडंडी से चले जाओ। खुदा करे ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर ना हो। कायकू, आप मेरे को डरा रहे? लेकिन मैं डरने वाला नहीं। आपने महबूब खान की पिक्चर नहीं देखी जिसमें था मुद्दई लाग बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। That's right. मंजूरे गॉड होता है। घोड़ा फॉर मी, घोड़ा फॉर जॉर्ज। थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग। हेलो, नो रिस्पॉन्स। पन काय को? जोड़ी रोमांस, प्लीज गिव मी वन फोटोग्राफ। थैंक यू। अभी हम तुम्हारा फोटो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपाएगा, इवनिंग न्यूज में छपाएगा, ब्रिटिश में छपाएगा, बुलेटिन में छपाएगा, फिल्म फेयर में छपाएगा, और फिर तुमको हॉट फिल्म का हीरो बनाएगा, और फिर तुमको फिल्म फेयर अवार्ड दिलाएगा। डोंट फॉरगेट मी। वैसे लोग भूल जाते हैं। अभी हम तुमको तुम्हारे ड्राइवर का फोटो लेता है, जॉकी का, जॉकी का। मत पूछना काय को। जॉकी, 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 जॉकी। ड्राइवर, मिस्टर ड्राइवर। नो ड्राइवर? ओह, आई थिंक गया है। डोंट वरी, टेक योर टाइम, जब तक हम रेस्टिंग। ओ गोड़ा ब्रदर्स, तुम हमको यहाँ ला? काय को? दिस इज नॉट फेयर। अब उनका आर्ट फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। हाँ, ओ गॉड, द हॉरर, द टेरर, द भयानक, द गेट। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे गॉड होता है। जरा सी लापरवाही हम सब के लिए फांसी का फंदा बन सकती थी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और गिन गिन के मिलेगी। बस करो छोटे ठाकुर,
अब हम इसे सजा देंगे। बड़े ठाकुर, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है सिद्धू, हमने आज तुमको माफ कर दिया, लेकिन याद रखना इसके आगे किसी भी जश्न में तुम शामिल न हो सकोगे। नहीं नहीं ठाकुर साहब, नहीं, आप भी चाहे तो मुझे कोड़े मार लीजिए, लेकिन ऐसी सजा मत दीजिए। नहीं ठाकुर साहब, मुझे अपने साथ ही रखिए, मैं आपका हर रुक मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सिद्धू, आखिर को तुम हमारे बचपन के साथी हो, हमारे छोटे भाई समान। इस खुशी में आज हम एक साथ दो शिकार का। सत्तान, मेरी बीवी को तूने मुझसे छीन लिया था ना? हम कहा के सरकार, हम कहा मंगलपुर के बेगुनाहों का खून पीने वाले, बड़े तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, क्यों इस गरीब को मार रहे हैं आप? यही वो आदमी जिसकी कानून को तलाश है, यही आदमी ने कईयों का खून पी चुका है। मैं नहीं, 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 ये खून पीता नहीं, ये तो खराब खून चूस के फेंक देता है। ये तो हम देहातियों का इलाज करता है। आइए मेरे साथ आइए, ये देखिए। लेकिन ये निशान कैसा? ये सिंह का निशान है, इसी से खराब खून खींच के बाहर फेंक दिया जाता है। कौन है जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है? फोटोग्राफर का बच्चा ज्यादा शोर मचाने लगा तो मैंने उसे राजा और रानी के साथ बांध दिया है। अच्छा है, सभी मेहमान एक ही जगह पे रहेंगे तो उनकी पहरेदारी और खातिरदारी करने में आसानी होगी, वरना उस फोटोग्राफर से तो कभी कभी मुझे भी घबराहट होने लगती है। कायकू, खाना तो खा ले। अरे पन कायकू, अपन तुमको बोला 10 times बोला कि अपन हंगर स्ट्राइक पर है, फिर ये खाना कायकू? ब्लड चूसर्स आर कमिंग, यू ब्लड सकर्स, शैतान की टोली, डेविल्स गैंग, अपन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। यू बैड लक पीपल, अपन अपना खून पसीना पैसा खर्चा करके इधर काय को आया? तुमको वर्ल्ड का अंदर फेमस करने के वास्ते आया,
आई मीन यू नीड पब्लिसिटी। लेकिन तुमने अपना खून पीका राय को। बट डोंट फॉरगेट, ये एक जर्नलिस्ट का खून है, इसके अंदर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स इतना जर्म से कि तुम्हारा पेट के अंदर जाकर हंगर स्ट्राइक करेगा, पोस्टर लगाएगा, नारा लगाएगा और फिर तुमको अपना अपना लाइफ का चेयर छोड़ना पड़ेगा। खामोश काय को, इतना डिक्टेटरशिप काय को, आप उनका रोने को पर नहीं सकता है, आप उन फरियाद पर नहीं कर सकता है। आज शाम को इसी की फरियाद सुनेंगे। ए, ए, तुम अपन का रूम में आया काय को? मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है? अपन का रूम में मटका नहीं है। मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं तुमसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। कैकू ड्रैकुला ड्रैकुला क्रॉस से डरता है, द क्रॉस इज डेंजरस फॉर ड्रैकुला। कितने भाई हैं? चार होते तो वो भी अपन का खून पीते। हे ठाकुर, तेरे दांत बहुत भयानक है रे, ये दांत अपन को दे दे ठाकुर। ये दांत अपन को दे दे ठाकुर। ये दांत अपन को दे दे ठाकुर। हाथ नीचे कर। दांत नीचे कर। हाथ। दांत नीचे। हाथ। दिमाग जिस्म के लिए वही काम करता है जो एक पायलट हवाई जहाज के लिए। जिस्म का हर हिस्सा उसका हुक्म मानता है। अब देखिए, दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। जिस तरह टाइप की मशीन कागज पर हमारी सोची हुई या लिखी हुई बात टाइप कर देती है, उसी तरह जिस्म की नसों की हर हरकत दिमाग पर आकर छप जाती है। सर, हमारे जिस्म में जो खून बनता है वो नसों के जरिए हमारे हर हिस्से में फैल जाता है, क्या ये भी दिमाग के हुक्म से? ये जो नसें दिमाग में नजर आती हैं, क्या ये खून सप्लाई करती हैं? सर, सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। तुम कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लगे। वो सर इसलिए कि आप बायोलॉजी के एक मशहूर प्रोफेसर हैं। सर, लोग कहते हैं कि मंगलपुर में जितने भी कत्ल हुए उन सभी का खून किसी न किसी इंसान ने ही पिया है। सर, क्या इंसान इंसान का खून? सर, ये कुत्ते हमेशा आप ही को देखकर क्यों भौंकते हैं? कुत्ते क्यों भौंकते हैं, कत्ल कैसे होते हैं, ये तुम्हारे सारे सवालों का जवाब हमारी हवेली में मिलेगा। गोविंद, किसी दिन अकेले चले आओ। मगर आपकी हवेली तो बहुत दूर है सर। मंगलपुर के चौराहे के पास हर शाम हमारी घोड़ा गाड़ी तुम जैसे सवाल पूछने वालों का इंतजार करती है।
गाड़ी पीछे लो। चलो आगे चलो, गाड़ी पीछे लो। गाड़ी रोको। इसका मतलब है मरने वाला टैनी से टकरा के मरा है। इंस्पेक्टर साहब, यही पेड़ मेरे भाई का कातिल है। नहीं, कातिल ये पेड़ नहीं, कोई और है। लेकिन कौन है वो, क्या आप लोग बता सकते हैं? ऐसी कौन सी सवारी है जिसकी ऊंचाई 9-10 फीट की हो, जो इस सड़क से गुजरती हो? आप बता सकते हैं इस गांव का सबसे पुराना आदमी कौन है? साहब, स्टेशन मास्टर इस गांव का सबसे पुराना आदमी है। स्टेशन मास्टर? बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। मानता भी कैसे, जर्नलिस्ट जो ठहरा। जर्नलिस्ट? हाँ, अपना नाम माइकल बता रहा। माइकल यानी एक और? लेकिन खान साहब, मैं जिस लाश की बात कर रहा हूँ वो किसी और की लाश थी, और इस बार मरने वाले के बदन में खून था। खान साहब, आप ये बता सकते हैं इस गांव में कौन सी ऐसी ऊंची सवारी है जिसकी ऊंचाई कुछ 9-10 फीट की हो? 9-10 फुट? वो तो ठाकुरों की घोड़ा गाड़ी है। लगता है बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। इंस्पेक्टर, मैं समझा कोई चोर घुस आए हैं। हम पुलिस की वर्दी में भी आपको चोर नजर आए। पुलिस की वर्दी तो इंस्पेक्टर बैरूपे और ड्रामे वाले भी पहनते हैं। आप ठीक कहते हैं ठाकुर साहब, चोर और कातिल किस वक्त किस भेस में मिल जाएं? ये जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन ताज्जुब है
आपके यहां तो हर चीज ऑटोमेटिक है। यहां किस लिए आए हो? मैं आया नहीं ठाकुर, जबरदस्ती लाया गया हूं। पुलिस के साथ जबरदस्ती? वैसे भी इंस्पेक्टर, अगर पुलिस किसी के घर में वर्दी पहन के घुस जाए तो लोग समझते हैं उसे गिरफ्तार करने आई है। मगर आज मैं खुद ही गिरफ्तार होकर चला हूं ठाकुर साहब, आपकी घोड़ा गाड़ी के हाथों। वैसे आपने अपने घोड़ों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है, बेचारे कुछ पान का काम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन उन घोड़ों को पुलिस भर्ती की पहचान नहीं है। कौन सी कहानी सुना रहे हो इंस्पेक्टर? मौत की कहानी सुना रहा हूं ठाकुर। आप ही का स्टूडेंट गोविंद आपकी ही गाड़ी पर सवार था, एक पेड़ की शाख से टकरा कर गिरा और मर गया। गोविंद? हाँ, शायद शहर से आप ही से मिलने आ रहा था। इंस्पेक्टर, हम अपने घर में किसी को नहीं बुलाते। मौत को कौन बुलाता है छोटे ठाकुर, वो खुद ही आ जाती है। जिस तरह पहले लोगों को मौत आई, जिस तरह मेरी बीवी की मौत आई, और शायद कल माइकल को भी मौत आ जाएगी। कौन माइकल? क्या आप बेवकूफ हो जैसी बात करते हो? सूर्य, ये हमारे बिन बुलाए मेहमान हैं। इन्हें कह दो कि ये हम ठाकुरों की हवेली है, कोई सराय नहीं। यहाँ सिर्फ मेहमानों की इज्जत होती है। मिस्टर इंस्पेक्टर, आपको शायद मालूम नहीं कि ट्रेसपासर्स आर प्रोसिक्यूटेड। नेक्स्ट टाइम मेक इट अ पॉइंट कि इस हवेली में दाखिल होने से पहले हमारी इजाजत या तो फिर सरकारी इजाजत नामा लेकर आना। नाउ गो आउट। जी, गेट आउट। ठाकुर साहब, आई से गेट आउट ऑफ माय पैलेस। ठीक है, लेकिन याद रखना ठाकुर साहब, अब की बार इजाजत नामा साथ लेकर ही आऊंगा। तो बड़ा खतरनाक नजर आता है भाई साहब। सूर्य,
ये प्यादे तो सिर्फ हमारी उंगलियों पे चलते हैं, हम जब चाहें इन्हें जगह से हटा सकते हैं। याद है इंस्पेक्टर, एक दिन हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारी इस गांव से बदली करा देंगे, आज हम तुम्हारी इस दुनिया से बदली कराने आए। मंगलपुर के मंगो दादा, पिछली बार तुम मार करके जेल गए थे, अब की बार जहन्नुम में जाना चाहते हो, लेकिन लाश उठाने के लिए तो चार आदमी की जरूरत होती है, तुम तो सिर्फ तुम लाए। होश में आओ विजय, तुम किस पर शक करते हो जानते हो? जानता हूं सर, वो लोग बहुत अमीर हैं। सिर्फ अमीर ही नहीं, इस इलाके के सबसे ज्यादा इज्जतदार घराने के लोग, उनके खानदान में आज तक किसी ने कोई जुर्म नहीं किया, न कानूनी न सामाजिक, और तुम उन पर शक करते हो। ठाकुर साहब को तो लोग इंसान ही नहीं फरिश्ता मानते हैं। शैतान को फरिश्ता बनने में देर लग सकती है सर, लेकिन फरिश्ते को शैतान बनने में नहीं। ठाकुर साहब, आप इंसान नहीं फरिश्ता हैं। आप नहीं होते तो हम गांव वाले नंगे भूखे मर जाते। ठीक कहती है मौसी, ठाकुर फरिश्ता है फरिश्ता। हाँ जो मैं कहा था तुमने ठीक कहा था, बड़े दयालु है ठाकुर साहब। शान है मंगलपुर की बहुत। Dog has sixth sense and it can smell bad omen. ये कुत्तों की किताबें कब से पढ़नी शुरू कर दी तुमने? आपके लिए लाऊं सर। हैं? देखिए इसमें लिखा है कि कुत्ते फौरन शैतान को सूंघ लेते हैं, पढ़िए। ये देखिए, डॉग हैज सिक्स सेंस एंड इट कैन स्मेल बैड ओमन। और मंगलपुर के लोगों में यह बात मशहूर है सर कि ठाकुर खानदान का जब भी कोई बाहर निकलता है उसके पीछे कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। और ये किताब, और ये किताब साबित करती कि वो लोग खूनी है, कातिल है, इंसान की शक्ल में दरिंदे है। मिस्टर विजय, होश में आओ, अगर तुमने जिद न छोड़ी तो सर्विस गवा बैठोगे। जिसकी जिंदगी छीन ली गई सर, उसे अब सर्विस की क्या परवाह। सैक मी, सैक मी। इंस्पेक्टर विजय, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? I'm sorry सर। विजय, दरअसल तुम्हारी बीवी की मौत ने तुम्हें जज्बाती बना दिया है। जज्बाती नहीं सर, ये पागल बना दिया है। रेनू की मौत के बाद मैं पागल हो गया हूं, मेरे सारे सपने बिखर गए सर। रेनू मुझसे छीन ली गई, मेरा बसा बसा घर उजड़ गया सर। मैं कहीं का नहीं रहा, और जिसने मुझसे मेरा चैन छीना है, मैं उन्हें चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। एक दिन मैं उन तमाम कातिलों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। बिना किसी सबूत के कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई साहब। छोटे ठाकुर, अगर हमें गिरफ्तार करने के लिए इस बार इंस्पेक्टर खुद ही सबूत बनकर चला आए तो मुझे सबूत चाहिए खान साहब, और ये सबूत मुझे हवेली में ही मिल सकता है। खान साहब, आप कभी हवेली में गए हैं? हाँ, बहुत साल पहले एक बार साधु सिंह ले गया था। साधु सिंह?
ये साधु सिंह कौन? ठाकुरों के मैनेजर सिद्धू का बाप साधु सिंह। साधु सिंह हमारे खानदान का वफादार नौकर था, फिर वो सिद्धू का बाप भी है। मेरे ख्याल से वो कभी हमारे खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। छोटे ठाकुर, जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी शेर को शिकारी का निशाना बना दी थी। इससे पहले कि कोई मजबूरी साधु सिंह को हमारा राज बताने पर मजबूर करे, हमें अपने इस राजदार को खत्म करना होगा। अंदाज बड़ा भयानक है साधु सिंह। मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? इंस्पेक्टर विजय, मैं तुम्हारा सिर्फ नाम ही नहीं साधु सिंह, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। लेकिन ये तो बताओ, ठाकुर धर्म प्रताप सिंह की हवेली छोड़कर इस जंगल में क्या कर रहे हो? ठाकुर, मैं किसी ठाकुर धर्म प्रताप सिंह को नहीं जानता। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। नहीं। फिर नाम सुनकर चौंके क्यों? ठाकुर का नाम सुनकर चौंकना यह साबित करता है कि तुम इस खानदान के बारे में सब कुछ जानते हो। नहीं, मैं किसी ठाकुर को नहीं जानता। मेरा किसी ठाकुर से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुम्हें यह बहुत अच्छी तरह मालूम है साधु सिंह, हवेली में जो भी नया आदमी आता है वो वापस नहीं जाता। कुछ दिनों बाद उसकी लाश झील में मिलती है। उस भयानक हवेली में कौन सा ऐसा शैतान है साधु सिंह, जो इंसानी खून से अपनी प्यास बुझा रहा है? बताओ साधु सिंह, तुम्हें सब कुछ मालूम है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। ठीक है साधु सिंह, जब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम फिर मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। दरअसल मैं तुम्हें एक सच्ची खबर सुनाने आया था, शायद उसे सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। जिस बेटे को तुम हवेली में जिंदा छोड़ आए थे, पुलिस को छील में उसकी लाश मिली। क्या? हां साधु सिंह, उसके जिस्म पर भी वही निशान थे जो दूसरी लाशों पर पाए गए। तो मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठाकुर मेरे बेटे का खून नहीं कर सकते। आखिर सच्ची बात जबान पर आ ही गई। ठाकुर साधु सिंह, अब तो मुझे सब कुछ बता दो। साधु सिंह, तुम्हें सब कुछ मालूम है। आज के बाद किसी साधु सिंह का बेटा ठाकुरों के जुल्मों का शिकार नहीं होगा। बता दो साधु सिंह, बता दो मुझे, मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे आज की राजगुरु की वो लाल लाल भयानक आंखें अच्छी तरह याद है। जय गुरुदेव। सिद्धि के लिए 7 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद तपस्वी राजगुरु हमारे द्वार पर पधारे, हम कृतार्थ हुए। गुरुदेव, अब हमारे पूर्वजों के छिपे खजाने को बताने या प्राप्त करने का उपाय बताइए। सुनो ठाकुर, हमने तंत्र विद्या से जो सिद्धि हासिल की है उससे तुम्हारे पूर्वजों के छिपे हुए खजाने का पता तो लग सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। खजाने को प्राप्त करने के लिए मैं दुनिया का हर अर्थ अनर्थ करने को तैयार हूं। तो सुनो ठाकुर, तुम सबसे पहले महायज्ञ शुरू करो। जय तांत्रिक देवी। नर मुंडाय पिशाचाय स्वयं सहाय कपालिनी हीं हीं। नर मुंडाय पिशाचाय स्वयं सहाय संप्रगामी तांत्रिक देवी विराजमान। Oh!
कुंतिक देवी तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य देगी। तुम्हें 501 अमावस्या की रात जागकर देवी को प्रसन्न करना होगा। तपस्वी, हमें और क्या करना होगा? तुम्हें आहुति देनी होगी ठाकुर, लेकिन तुम्हारे कुलगुरु होने के नाते देवी को पहला तिलक हमारे रक्त का लगेगा। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया ठाकुर। गुरुवर, क्या हमें भी 501 बार अपने ही रक्त की आहुति देनी पड़ेगी? जाओ जाकर जश्न मनाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर खुद ही जश्न में मिलेगा। हर कोई यहाँ अपने ख्वाबों के बाग खोजे, कोई शक्ल बेचता है, कोई अक्ल का सरमाया, हर कोई जिंदगी को बाजार में ले आया। आधा ही आधा खरीदेंगे या दिल की वफा खरीदेंगे, आप फरमाइए क्या खरीदेंगे, आप फरमाइए क्या खरीदेंगे, आप फरमाइए क्या खरीदेंगे।
हवेली का कोना कोना छान मारा, कहीं नहीं मिली, न जाने कहां चली गई। तलाश कर लीजिए जी। ठाकुर चंपा भाई, खून। मैं समझ गया बलदेव सिंह ठाकुर का राज जान गया था, इसलिए उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। और कुछ अरसे बाद बड़े ठाकुर ने मरने से पहले अपने बेटों के साथ साथ मेरे बेटे सिद्धू की भी शादी करवा दी। और एक रात एक शोर सा हुआ, ठाकुर साहब इन लोगों ने जो कुछ देखा है आज तक किसी ने नहीं देखा, और हम अपने राजदार को जिंदा रखने का खतरा नहीं ले सकते। अगर जिंदा ही रहना चाहती हो तो आज के बाद इस हवेली से बाहर नहीं निकलोगी, समझे। उस रात मुझे यकीन हो गया कि खजाने की हवस ने उन तीनों को शैतान बना दिया, इसलिए उन्हें देखकर कुत्ते भागते थे। हाँ बेटा, लेकिन तुम हवेली छोड़कर क्यों चले आए? एक रात किसी खटके से मेरी आंख खुली तो खिड़की में से मुझे तीन साए नजर आए। उनकी खूंखार आंखें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो ये कह रही हूं कि अब मेरी बारी है, मैं अपनी मौत से घबराकर हवेली छोड़कर जंगल चला आया। लेकिन ये सारी बातें आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? कैसे बताता, क्योंकि मेरा बेटा चोर में शामिल हो गया था। और वो घोड़ा गाड़ी? वो लोग होशियार हैं बेटा, दिमाग से काम लेते हैं। दरअसल घोड़ा गाड़ी की पायदान पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके पायदान पर घोड़े की लगामें खुद ब खुद खींच जाती है और घोड़े तेज रफ्तार से भागने लगते हैं। हमेशा हवेली के दरवाजे पर ही आकर रुकना उनकी आदत बना दी गई है। अब मेरे साथ चलकर सारी बात अफसर को बता दीजिए, वो मुझे पागल समझते, मेरी बात का यकीन नहीं करते कि ठाकुर ही कातिल है। साधु सिंह मुझे माफ कर देना, साधु सिंह मैंने तुम्हें झूठ कहा था, तुम्हारा बेटा जिंदा है। साधु सिंह साधु सिंह भाई साहब, ये पुलिस वाले की लाश है, यहां मिली तो कानून हमें नहीं छोड़ेगा। तुम ठीक कहते हो सूर्या, उठा लो इसको, हमारी हवेली के तहखाने में डाल दो साले को। इंस्पेक्टर, तुम्हारी बीवी भी इसी रास्ते से गई थी और आज तुम भी, कल तक बाकी सारे मेहमान भी तुम्हारे पास पहुंचा दिए जाएंगे। आज हमारे 500 अमावस्या की आखिरी रात है और आज ही हमारे रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो गईं। तुम लोग हैरान हो ऊपर जाने वाला नीचे कैसे आ गया, लेकिन अब की बार तुम लोगों के लिए ऊपर वाले से मौत का पैगाम लेकर आया हूं ठाकुर। अरे शैतानों, तेनू के कत्ल
और सभी बेगुनाहों के खून का हिसाब चुकाना है। इंस्पेक्टर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है ठाकुर, मुझे मालूम है इस भयानक हवेली में कदम रखने से पहले इजाजतनामे की जरूरत होती है, और आज मैं इजाजतनामा साथ लेकर आऊं ठाकुर। इंस्पेक्टर, तुम्हारे उस खिलौने के पटाखे तो हमारे हाथ में है इंस्पेक्टर। भी हवेली से बाहर जाने न पाए। Thank you.
Thank you.
डरो मत राजा, अब तुम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ तुम लोग, मेरा एक छोटा सा काम कर देना। ये कानून की चीज कानून के हवाले कर देना। और तुम हमारे साथ नहीं आओगे? वक्त बहुत कम है राजा, सबको संभाल लेना। जाओ। मैं यहां हूं ठाकुर, यह मत समझो कि मैं तुम लोगों से डर कर भाग रहा था। इस जगह को पहचानो, ये वो जगह है जहां मुझे मेरी रेनू की लाश मिली थी, और मैंने इसी जगह खड़े होकर कसम खाई थी कि मैं तुम लोगों की समाधि यहीं बनाऊंगा। और आज तुम इसी जगह पर खड़े हो ठाकुर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी समाधि बन जाए। विजय, अगर तुम चाहते तो उन्हें जिंदा पकड़ सकते थे। कानून को हाथ में लेके तुमने अच्छा नहीं किया, कानून तुम्हें सजा देगा। आई एम सॉरी बेटे।